नेक्स्ट हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ पैरागनेंस। सो लॉ ऑफ पैरागनेंस क्या कहता है कि आपको यूजर को ना एक सिंपल इमेज दिखानी है, क्योंकि आपका इंसानों का जो दिमाग है ना वो ज्यादा काम नहीं करना चाहता, क्योंकि ज्यादा काम करता है तो बॉडी की एनर्जी लगती है, तो दिमाग बस कहता है कि ऊपर ऊपर से वो चीजें निकाल रहा होता है। तो वो इसीलिए यूजर को ना बहुत ज्यादा सोचने पे भी नहीं मजबूर करना है आपने, बस उसको सिंपल 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 सी चीजें दिखानी है ताकि जो है ना वो आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन ला सके। सही। सो यहाँ पर आप इसके आइकन से ही भी समझ सकते हो कि जो है इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स किया, उसको थोड़ा सिंपल कर लिया, उसको मजीद सिंपल किया और उसको बिल्कुल ही सिंपल कर दिया राउंडनेस, क्योंकि पॉइंट 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 भी जितने होते हैं तो इसमें भी ब्रेन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कितनी साइड्स हैं, इस शेप को क्या कहते होंगे और साइड्स बराबर हैं, कम हैं, ज्यादा हैं। सो आपको चीजें सिंपल करके रखनी है जितना पॉसिबल हो सके। सो नेक्स्ट यहाँ पर आप देखो इसकी एग्जांपल में मैंने आपको कुछ बटन दिखाए हैं कि ऐड टू कार्ड का बटन आपने कभी ऐसा भी नहीं देखा होगा, ऐसा भी नहीं देखा होगा, जबकि ऐसा हो सकता है कोई क्रिएटिविटी के चक्कर में ये वेबसाइट पर डाल सकता है, लेकिन हम नहीं डालते क्योंकि इस लॉ को भी देखना है हमने कि हमें चीजें सिंपल 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 जितनी सिंपलर हो सकती हैं वो हमें करके देनी है। तो आप ऐड टू कार्ड के बटन ऐसे देख लेते हो, ऐसे देख लेते हो, ऐसे देख लेते हो, तो इस तरह के आप ऐड टू कार्ड के बटन यूज़ करते हो बजाय इसके। तो आपको शेप्स के बारे में या टेक्स्ट के बारे में बहुत सिंपल रखना है अपने यूज़र इंटरफेस को।